मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु हो मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। सुधी सज्जन वृंद, सूर्यंक दक्षिणायन बेले बड़ ओषा ओ पंडु ओषा होइथाय। मार्गशीर मास परि पुण्य मास पूर्णमी पंडु पूर्णमी नामरे परिचित। उक्त पूर्णमी रे पंडु ओषा एक मुख्य पर्व अटे। उक्त पंडु शब्द महाभारतर कुंतीक पति पंडु को ही निर्देश करे बोली कहा जाए। पुराण रे वर्णित पंडु बोध हुए मार्गशीर मास पूर्णिमा रे व्यासंक उरसरे अम्बांक गर्भरु जन्म होइथिले। जस्मात् पांडुत्वमापर्णा विरूपं प्रेक्षमामिह तस्मादेश सुतस्ते बे पांडुरेव भविष्यति नाम चासो तदेवहम भविष्यति सुभानले इत्युक्तास निरक्रामद भगवान ऋषि सत्तमहम ततो निष्कांतमालोक्य सत्यापुत्र मथाब्रवीत ससंस स पुनर्मात्रे तस्य बाळस्य पाण्डुतम। सुधी सज्जन वृंद, सत्यवती को व्यास कहिले अम्बा पंडुवर्ण होइथिबारु तांको गर्भरु जात संतान पांडुवर्ण हेबे एवं तांको नाम मध्य सही कारणरु पंडु बोली रखा जाइथिला। पंडु प्रचंड धनुर्धारी एवं ईश्वर अनुरागी थिले। पंचु पांडव माने तांकु सततः उपासना करुथिले। पांडव मानक अज्ञात वनवास काल रे से अनेक तीर्थ भ्रमण करिबा समय रे निज पिता पुण्यात्मा पंडु को स्मरण रखुथिले। पंचु पांडव माने माता कुंती और देवी द्रौपदी सहित वनवास काल रे अनेक तीर्थ मान दर्शन करथिले। विष्णु शिव आदि क्षेत्र मानक रे उपासना भी करुथिले। सेथिलागी भारत बर्षर अनेक स्थान पंचु पांडव और केतेक मंदिर पंचु पांडव मंदिर स्मारकी स्वरूप परवर्ती काल रे सृष्टि होइछि। जलौका पहाड़ पादेश एक विष्णु मंदिर पंचायत विशिष्ट जहाँ पंचु पांडव मंदिर नाम नामित अटे। यह गणेशरपुर ठारे विद्यमान। भुवनेश्वर मुक्तेश्वर मंदिर ढांचारे यार निर्माण होइतिबारु मुक्तेश्वर मंदिर समकालीन अर्थात ख्रीष्टाब्द दशम शतक बोली निर्मित होइतिबा कथा प्रत्नतत्वविद माने मतव्यक्त करती। कटक जिलार बालिकुदा निकटवर्ती पाराहाट एक ग्राम रे पंचु पांडव मंदिर पंचायतन विशिष्ट अटे। उक्त मंदिर टी इटारे निर्मित होइछि। कटक जिलार पंचु पांडव ग्राम जोटी हरिहरंक मेलन यात्रा प्रसिद्धि लभिछि। एपरि भाबरे पंचु पांडव माने मध्य युधिष्ठिर जमेश्वर भीम मार्कण्डेय अर्जुन लोकनाथ नकुल कपाळमोचन सहदेव नीलकंठ शिव रूपरे सर्वत्र पूजित हेबा सहित श्रीमंदिर संस्कृति रे एमानक विशेष प्राधान्य थिबा परिलक्षित होइथाय। केतेक विशेषज्ञ पंचु पांडव माने ओडिशार विशिष्ट शैव क्षेत्र धवळेश्वर आसी सेठारे पंडु ओषा करथिबा कथा व्यक्त करंती। पंडुवंशी सहदेव कलिंग राजा को परास्त करि शासन करथिले। एही परिप्रेक्षीरे निज पितांकु पूजा करिबा घटना कालक्रमे ओडिशार प्रचलन घटिथिबा कुहा जाय पारे। पंडु धर्मात्मा थिले। ओडिशार ओडिया भाषा रे प्रचलित पंडु ओषा कथारे नारी माने संतान आदि प्राप्त निमित्त जमराजा को पूजा करिबा कथा पंडु ओषा नामरे पालन हेबा कथा कुहा जायछि। तेबे पंडु ओषा कथा आख्यानक परिशीलनीय अटे। जम्बुद्वीप कलिंगनगर राजांक पात्रमंत्री दासदासी सैन्यसामंत सबु भरपूर धन सम्पदर सबुकिछि परिपूर्ण अभावर शब्द नथिला। राजा अत्यंत प्रजावत्सल और सुशासक
जशकृति रे राजांको महिमा सतकृतित किंतु से मानसिक अशांति भोगुथिले मात्र संतानटिए लागि एकदा जणे सुद्रा राजांको देखि विरक्त मनोभावरे कहि पकाइला आज की जोगरे बाहरिली सकाळु सकाळु गुटिए अपुत्रिकर मुह चाहिली राजांको मनकु कथाटा भारी आक्रांत कला शेषकु राजा मंत्री को राज्यपद दान करी स्वामी स्त्री दुहे बाहरिले बन को तपस्या लगी ता मध्यरे राजा निजुकु धिक्कार करी आत्महत्या लगी मध्य उद्यम करी विफल होइथिले खाइबा को किछि नाही उपवास रे रहिबा अपेक्षा पाख गां को जाई खाद्य व्यवस्था लगी बाहरिले गोटिए जगार देखिले दले स्त्री लोक पंडुओसा करूछंती पंडुओसा कले निश्चय पुत्र प्राप्ति हेबो सुनी ओसा विधान कथा बुझिले एवं प्रसाद पाई बासस्थान को बाहुड़िले सेठारे पंडुओसा मध्य यथाविधि पालन कले एहार किछि दिन पर एक पुत्र प्राप्ति होइतिले पुत्रलाभ पर आनंद मन रहिबा मध्य ओसा कथा भूलीगले सेतेबेळकु राजकुमार बड़ होइगलेनी पूजा न करिथिबारु किंबा उपवास पालन न करिथिबारु जमराजा क्रोध होई युवक राजकुमार को बांधि नेबाकु दूत मानकु प्रेरणा कले सुदी सज्जन वृंद पंडुओसा पुस्तक उल्लेखित अछन्ति एही परि महासुखे दिन कटि गला पंडुओसा कथा तांक मने न पड़िला एहा जानी जम राजा होई प्रज्वलित बोइले बांधिण घेनी आस राजसुत तही दूत माने गले कोपमूर्ति होई राजार दृष्ट हुंते आणिले लुचाई सुदी सज्जन वृंद जमदूत माने राजकुमार को बांधि नै पासरे जमराजा को निकटरे पहुंचाई देले जमपुर रे तांको मा राजकुमार को देखी अत्यंत मर्माहत हेले ओ कहिले पुत्र निरीह राजकुमार को आनी मते बथित कलु जदि परिणत वयस्क बुढ़ा बुढ़ी को धरी आनी थांतु तेबे सेतिरे मोर कोनोसी आपत्ति नाही जम माँ को बुझाई कहिले माँ यहाँ सत्यासत्य सबूत ते निश्चय बुझाई देवी थरे जमराजा तांक माँ को कहिले माँ बाड़ी खाइबा लगी कदमी आणव माँ बाड़ी को जाई पाचिला कदमी आणवा परिवर्ते कंचा कदमी नहीं आसिले जम कहिले माँ पाचिला आणवा परिवर्ते कंचा कहीं आनीदेल माँ भूल करणु नीरव रे से बेले जमराज बुझाई कहिले माँ को कहले माँ ये पुत्रर पितामाता सत्यभग्न करथिबारु जमदूत माने मो निर्देश रे नै आसिछंती एही परि रखी थांती नै गुप्त स्थाने अकस्माते जममाता देखिले नयने जममाता बोलुछंती एडे अबिबेकी वृद्धा न आणीण किंपा आणुछ जुवती एकदा जमपुर रे जमंक माँ विचरण करथिबा बेले राजकुमारीटी तत्क्षणात छिंकी देला सेतिकी बेले जमंक माँ कहिले पुत्र अमर होइथा मृत्यु लागि उद्दिष्ट कुमार अमरवर लाभ कले आउ सेतिकी बेले अमरवर लाभ कथा शुणी जमराजा माँ को कहिले एहा शुणी जमराजा विस्मय जे होई अमर वर काहाको देलु मात तुही जम मा बोइले मु देली से पुत्र कु जम कहुछंती मोते देखाओ ताहाकु जम मा देखाइले सही राजपुत्र आश्चर्य होइण कहे सुण आगमात मानसिक पूजा राजा न देबारु मोते पुत्र तार लुचाइण रखिछि गुपते अमर बर ताहाको देइ देल तुमे मोर पूजा न करिवे आउ केहि जने सुदी सज्जन वृंद माँ का परामर्श क्रमे जमराजा राजपुत्र को राजनगर में छाड़िले और तांको पितामाता मार्गशीर मास पूर्णिमा रे पंडुओसा जेपरी करती ताहा पालन करिवे नचे पुत्र कष्ट भोग करिवे बोली सूचना राजकुमार को प्रदान कले
मार्गशीर मास पूर्णमी दिन नारी माने पूजा स्थान शोधन करी पुत्र प्राप्ति निमित्त यही ओषा पालन करती। ब्राह्मणों द्वारा जमराजा को धूपदीप नैवेद्य अर्पण कराए पूजा मंडापिठा भोग लगी कराए गोबर लिपा टोकेरे टोकेये धान कुटी चाउल प्रस्तुत कराए और सेतिरे चूना करी मंडापिठा प्रस्तुत होता है। ओषा समय अनंत प्रसाद रचित पंडुओषा व्रत बहीपाठ कराए सुधी सज्जनवृंद एत समय धरी यही पंडुओषार यही दिव्य कथाटी आपण मैंने श्रवण करुले आशा कै ये कथाटी आपण मानक निश्चय भल लगी सुधी सज्जनवृंद बाणी को यही विश्राम दूची। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ।